है और आज हम जिस स्टॉक की बात करेंगे, चलिए उसका नाम हम बाद में बताएंगे। और पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि वो कंपनी करती क्या है। देखिए, यहाँ पे हम ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं। और इस कंपनी ये पहले अभी पहले ये ओरिएंट PSPO जो ओरिएंट कंपनी के जो फ़ैन वन बनाती थी वही कंपनी है, लेकिन अभी CK बिरला ग्रुप ने इसको अधिग्रहण कर लिया था कुछ दिनों पहले। तो अब ये CK बिरला ग्रुप की कंपनी हो गई है। और चूंकि पिछले लास्ट 10 सालों का जो रिटर्न हम दिखाएंगे आपको तो बहुत ही कम है, लेकिन आने वाले समय में चूंकि एक अच्छी ग्रुप की कंपनी ने इसको एक्वायर किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे रिटर्न्स आने वाले 10 सालों में मिलेंगे। और अभी ये छोटा अब इसका प्रीमियम है। आज बता दूं कि आज की जो तारीख है वो है 16 मार्च, और सैटरडे है, शनिवार है, मार्केट आज बंद है। और आज का जो प्राइस है यहाँ पे उसका करंट भाव चल रहा है, दिखा देते हैं आपको हम, 35 रुपये 50 पैसे। ये देखिए 15 मार्च लिखा हुआ, लेकिन ये कल का डेट है क्योंकि मार्केट लास्ट यहीं पे अपडेट हुई थी और 4 बजे क्लोज़ हुआ था, तो इसका भाव था 35 रुपये 50 पैसे। आज है 16 मार्च और वीडियो बन रहा है शनिवार को। 52 वीक हाई बनाया था इसने 53 का, और लो बनाया था 25 रुपये 35 पैसे का। और देखो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, अभी इसने 19 में दिया है आपको, 31 जनवरी 2019 को, और जुलाई 18 में भी दिया था, और मेरा ख़्याल से ये फाइनल डिविडेंड था, इंटरम डिविडेंड भी दिया था। तो साल में 2 बार डिविडेंड देना शुरू कर दिया इसने। 2017 में भी दो बार इसने डिविडेंड पे किया था। सेंटीमीटर कह रहे हैं 60% लोग कि बाई कर लो, 20% कह रहे हैं कि सेल कर दो, 20% कह रहे हैं कि होल्ड कर लीजिए इस स्टॉक को। मार्केट कैप है 753 करोड़ की, जो कि माइक्रो कैप है। EPS इसका है 4 रुपये 1 पैसे का, और इतने छोटे प्रीमियम के स्टॉक की इतनी EPS है, तो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, काफ़ी अच्छा है। पी है 8.85 की, और प्राइस टू बुक है 0.57 की, बुक वैल्यू इसके 62.110 की। डिविडेंड 100% देती है, डिविडेंड यील्ड है 2.82%, फेस वैल्यू है 1 की। इंडस्ट्री पी है 11.96 की, डिलीवरेबल है 44.20 की, और ज़बरदस्त डिलीवरी है। और मैं यहाँ पे दिखा भी दूँ आपको डिविडेंड के बारे में कि कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, आपको डिविडेंड दे के ही माला माल बनाती रहेगी। आपने अगर बहुत सारे स्टॉक्स भर लिए तो आपको टैक्स फ्री जो डिविडेंड ही मिलता रहेगा, उसी से आपका खर्चा पानी चलता रहेगा। इतनी क्वांटिटी में आप धीरे धीरे इस स्टॉक को भर लीजिए, क्योंकि छोटा प्रीमियम है, अभी अभी मिल रहा है। देखिए 19 में दे चुका है, 18 में भी 2 बार दिया है यहाँ पे, और 17 में भी 2 बार दिया, 16 में 1 बार। तो अभी अच्छी बात है कि साल में 2 बार डिविडेंड देना भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर देखिए इसके रिटर्न्स हैं, 10 सालों में इसने 71% का रिटर्न दिया है, बहुत ही कम है, वेरी सॉरी। 5 सालों में 176% का है, यहाँ पर भी कम है। 3 सालों में भी कुछ नहीं दिया है इसने, 4%, 3.5% के करीब, जबकि सेंसेक्स ने यहाँ पर देखिए 10 सालों में 334% का दिया है, और यहाँ पर 74% का, और यहाँ पर 54% का। 1 साल में 11% के नेगेटिव में है, ईयर टू डेट में 18% करीब नेगेटिव में है, 1 मंथ में उठने की कोशिश की 8.23% का, 1 मंथ में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ऑब्वियसली FD का रेट मिल गया है, FD थोड़ा ज़्यादा का जो है लाभ, और 1 वीक में 0.84% का है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में मोटा मोटी की कि क्या करना चाहिए ऐसे स्टॉक के बारे में। इस छोटा स्टॉक है 35 रुपये का, 35.5 रुपये का। क्वालिटी है एवरेज एज पर मैनेजमेंट रिस्क ग्रोथ कैपिटल स्ट्रक्चर। सेल्स ग्रोथ है -13, यहाँ पे देखिए 13.97%, और BBIT ग्रोथ है 58.56%। नेट डेट इक्विटी है 0.56 की, और अभी ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, तो लेने का समय बिल्कुल है। धीरे धीरे लेते रहिए, भरते रहिए। ROE इसका 6.29% का है, ROCE है 6.84% का, और फाइनेंशियल ट्रेंड है पॉजिटिव, स्कोर इज 21। अब ये देखिए दिसंबर 17 से दिसंबर 18 के रिजल्ट्स जो आए, नेट सेल्स में 12.44% की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 98 करीब साढ़े 99 सॉरी
98.56% की ग्रोथ है, और मार्जिन में भी जो है 3.75 की यानी 0.4% की बढ़त है, और बढ़िया बढ़िया यहाँ पे रिजल्ट आया है। देखिए प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है सेम है जो 18 सितंबर में थी क्वार्टर में, दिसंबर 18 में भी सेम आई, सेम मेंटेन किया हुआ है, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की स्कीम 14 स्कीम में पैसे लगा रखा, 13.4% की इनकी होल्डिंग है, और FIIs के 12 लोगों ने पैसे लगाया 0.43%, जो कि FIIs कम है, लेकिन कोई बात नहीं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं 22.04%, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर हैं रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड 4.71% की। म्यूचुअल फंड्स ने बढ़ाई है होल्डिंग, और FIIs ने भी थोड़ी सी इंक्रीज़ की हुई है। इंश्योरेंस कंपनीज है 3.8% की, और जो क्वार्टर में थी वो एज इट इज़ यहाँ पे भी बनी हुई है। ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1939 विद अ सिंगल पेपर मशीन एंड नाउ अ मल्टी प्रोडक्ट मल्टी लोकेशन कंपनी दैट्स मच मोर देन पेपर दैट्स ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड अ प्राउड मेंबर ऑफ वन ऑफ द प्रीमियर एंड मोस्ट डायनेमिक बिजनेस हाउसेज ऑफ इंडिया द सी के बिरला ग्रुप। द सी के बिरला ग्रुप हैज प्रमोटेड एंड एस्टैब्लिश्ड अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मैनुफैक्चरिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट सच एज ऑटोमोबाइल्स अर्थ मूविंग इक्विपमेंट इंजीनियरिंग प्रोडक्शंस प्रोडक्ट्स सॉरी पेपर एंड पेपर के प्रोडक्ट्स बनाती है, और अभी तो खैर बिरला सी के हाउस ग्रुप ही कहलाएगा यहाँ पे। और 1936 से कंपनी काम कर रही है, मार्केट बता ही चुके हैं, डिविडेंड देखिए 50 पैसे पर शेयर का लास्ट जो इसने जनवरी 31 को दिया था 19 में, और अपनी इंडस्ट्री में 7th नंबर पे है। 99.35% की जो टोटल आय है इनकम है टॉप सेगमेंट में पेपर एंड प्रोडक्ट पेपर एंड बोर्ड से। दोस्तों अभी देखो आने वाले समय में जिस हिसाब से गवर्नमेंट जागरूक हो रही है, प्लास्टिक पे बैन लगा रही है, तो ये जो पेपर्स हैं इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। और प्लस यही नहीं, इनके पेपर्स कितने कामों में यूज़ होते हैं आपको भी पता है कि चाहे जेरोक्स मशीन में हो, चाहे वो बिस्किट बनाने वाला रैपर हो, चाहे हर चीज़ में आपको पता है पेपर की ज़रूरत पड़ती है, चाहे चेकबुक हो, चाहे कागज़ हो, कोई सा भी हो, तो ये सब हर चीज़ में इनके पेपर्स यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, चाहे टॉयलेट पेपर हो, चाहे जो कुछ भी हो। तो आने वाले समय में पेपर की डिमांड बढ़ रही है, और जिस हिसाब से हम चाइना वगैरह से जो डिमांड करते थे अब हम अपनी कंट्रीज़ के कंपनियों से ही लेना शुरू करेंगे आने वाले भविष्य में, जिस हिसाब से देश के लोग जागरूक हो रहे हैं। तो मैं इस कंपनी पे अभी फ़िलहाल इतना बुलिश हूँ क्योंकि ये छोटा प्रीमियम का स्टॉक है, और लंबे समय के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो लॉन्ग टर्म शेयर्स हमारे चैनल का नाम है वो लंबी अवधि के लिए बुलिश हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के दे जाएगी आपको। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी रखना चाहें तो जब आपका भाव मिल जाए तब भी आप निकल सकते हैं, क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स के जो जिस हिसाब से रिजल्ट थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 सालों में इसने अगर अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए तो आगे भी नहीं देगी। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो 10 साल नहीं चले, लेकिन 11वें साल हो सकता है कि 10 साल की पूरी रिकवरी कर दें। डिमांड कंपनी के प्रोडक्ट्स की मांग प्लस GDP ग्रोथ ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करती हैं, और मुझे लगता है कि ओरिएंट पेपर कंपनी जिस हिसाब से सी के बिरला ग्रुप ने इसमें अधिग्रहण किया है उसके बाद से फॉर्म में आ जाएगी, और आने वाले समय में अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा इसमें, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। फिर भी कोई भी स्टॉक लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर सलाह मशवरा कर लें, यह हमारा एक डिस्क्लेमर है। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हम हमेशा अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।